तो दोस्तों कैसे हो, आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी जो बाजार में हमें दही भल्ले कचौरी समोसों के साथ मिलती है। तो चले आइए बनाते हैं इमली की चाशनी वाली खट्टी मीठी चटनी। मैंने आधा कप इमली ली है बिना बीज वाली, इसको मैं गर्म पानी में भिगो रहा हूँ क्योंकि मुझे चटनी जल्दी बनानी है। आप चाहो तो इसे ठंडे पानी में भिगो सकते हो। मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैंने इमली डाली है, अभी इसमें गर्म पानी डाल रहा हूँ। मैंने एक कप के जितना गर्म पानी डाला है, अभी इसको आधा घंटे के लिए भीगने के लिए रखते हैं। इमली भीगती है तब तक तवे को गर्म करते हैं। सूखे मसाले भूनने के लिए एक टेबल स्पून सौंफ लेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा लेंगे, आधी टेबल स्पून काली मिर्च, इनको 2 मिनट के लिए भूनते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सुनहरा ब्राउन होने तक भूनना है। ये चटनी में अच्छा लगेगा इसका फ्लेवर। देखिए सौंफ और जीरा और काली मिर्च भून गए हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। इनको एक प्लेट में निकाल दिया है 3 से 4 मिनट ठंडा होने के लिए। देखिए अपनी इमली भीग के एकदम रेडी हो गई है, एकदम अच्छा टेक्सचर बना है, एकदम इनको मिक्सी में पीसने की ज़रूरत भी नहीं है। तो छलनी में निकालना है इसको, तो आइए इनको छान दें। बाउल में इमली के पेस्ट को छान रहे हैं, अजवाइन पेस्ट। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बना है। अब इसको फ्राई करेंगे, चटनी बनाने के पैन को गरम करेंगे, पैन का फ्लेम हाई रखेंगे। 1 चम्मच घी लेंगे इसमें, आप घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हो। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, इसमें थोड़ी हींग डालेंगे। हींग भून गई है, इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, इसको मैच करने देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले जल नहीं पाए इसके लिए हम पानी का यूज़ करेंगे 1/2 कप। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है चटनी का, अभी पानी इतना अच्छा कलर को दिख रहा है। मैंने 1/2 कप डाला था, 1/2 कप और डाल देता हूँ। पानी को मीठा करने के लिए 1/2 कप चीनी डालेंगे, चीनी की चाशनी तैयार करेंगे, इसलिए इसको हाई फ्लेम पर रखते हैं और उसको अच्छा मेल्ट होने देते हैं। चीनी घुल गई है, अब इसमें इमली का पेस्ट डालेंगे। स्वाद के लिए काला नमक ऐड किया है और थोड़ा अपन रोज रेगुलर खाने का नमक यूज़ कर देंगे। अब जो तैयार किया था सूखा वो 1 चम्मच डाल देंगे। मोस्टली अपना काम हो गया है, अब इसको एकदम हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद चटनी अपनी एकदम रेडी है। देखिए उबाल आ गया है और इसकी थिकनेस कितनी अच्छी बनी है और अभी गाढ़ी भी हो गई है, लेकिन इसको गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, तब इसकी थिकनेस और भी जाड़ी हो जाएगी। 2 घंटे के बाद देखिए कितनी अच्छी अपनी गाढ़ी एकदम थिकनेस वाली चटनी बनी है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, और मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर क्लिक करना और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ।